Good morning, students. My name is Divya Srivastava. I am your English teacher. And today in English literature, we will start a new fresh chapter, chapter 4. Yes, and your chapter 4 name is Mr. Rabbit is a good fisherman. Mr. Rabbit जो है वो बहुत ही अच्छे मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, ठीक है? तो it's a story about a fox and a rabbit, right? So let's get started. One day, Mr. Rabbit and Mr. Fox were busy clearing a new ground for planting some pear trees. एक दिन हमारे खरगोश और जो Mr. Fox थे लोमड़ी वो बिजी थे, व्यस्त थे ग्राउंड को साफ करने के लिए. किस लिए? फॉर प्लांटिंग सम पेयर्स ट्री. उनको कुछ नाशपाती के ट्री प्लांट करने थे, उसके लिए वो ग्राउंड को, न्यू ग्राउंड को क्लियर कर रहे थे, उसमें वो बिजी थे. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली एंड द डे वॉज वेरी हॉट. जो सूरज था बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था तेजी से, और दिन बहुत क्या था, गर्म दिन था. मिस्टर रैबिट गॉट टायर्ड बट ही डिड नॉट से एनीथिंग आउट ऑफ फियर दैट मिस्टर फॉक्स वुड कॉल हिम लेजी. मिस्टर जो रैबिट थे वो थक गया था, रैबिट खरगोश, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा इस डर से कि मिस्टर जो फॉक्स है वो उसको लेजी कहेगा, उसको आलसी कहेगा. सो ही केप्ट ऑन कैरिंग अवे रबिश एंड पाइलिंग इट अप टिल बाय ही क्राइड आउट दैट अ थॉर्न हैड पोक्ड हिज हैंड. तो वो जितना भी कूड़ा करकट था उसका ढेर लगाता चला गया और उसको एक जगह इकट्ठा करता चला गया. पाइलिंग मतलब होता है इकट्ठा करता चला गया. और उसने ये तब तक किया जब तक कि वो कस के चिल्लाया नहीं कि एक जो थ्रॉन था, एक जो कांटा था, वो उसके हाथ में चुभ गया. मेकिंग दैट एन एक्सक्यूज ही स्लिप्ड ऑफ टू लुक फॉर ए कूल प्लेस फॉर रेस्ट. और ये इस बहाने के साथ वो वहाँ से निकल लिया, वहाँ से वो चला गया, छिपकर निकल लिया और जाके वो क्या करने लगा, वहाँ पे एक कूल प्लेस के लिए, एक ठंडी जगह रेस्ट आराम करने के लिए वो वहाँ से निकल लिया. आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद मिस्टर रैबिट केम अक्रॉस अ वेल विथ टू बकेट्स हैंगिंग इन इट विथ अ रोप ओवर द व्हील. उसके बाद मिस्टर रैबिट कहाँ पहुँचा, एक कुएं के पास पहुँचा जहाँ पे दो बाल्टियाँ लटकी हुई थी एक कुएं के ऊपर एक रस्सी से, ठीक है, एक रस्सी से एक कुएं के ऊपर दो बाल्टियाँ लटकी हुई थी. दैट्स लुक्स कूल, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मिस्टर रैबिट ने कहा. I will just get in there to cool off and take nap. मैं अब यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा इस ठंडी जगह पे और जाके कुछ आराम करूँगा, सोऊँगा, नैप लूँगा. With that idea in mind, he jumped into the closest bucket, but he had barely made himself comfortable when the bucket began to go down due to his weight. उसने ये इस आइडिया के साथ कि अब वो बाल्टी में अंदर जाके ठंडी जगह पे जाके नैप लेगा, आराम करेगा, इस आइडिया के साथ वो पास वाली बाल्टी में कूदा और वो अपने आप को बेयरली, मतलब होता है कि वो बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को कंफर्टेबल कर पाता. इससे पहले क्या हुआ, जो बकेट थी, बाल्टी थी, वो नीचे जाने लगी उसके वेट की वजह से. दिस मेड मिस्टर रैबिट वेरी स्केयर्ड, इससे क्या हो गया, मिस्टर रैबिट बहुत ज़्यादा डर गए. He could not understand what's happening. उनको समझ में नहीं आया उसको कि क्या हो रहा था. Suddenly he felt the bucket hit the water. He kept very still, fearing that the bucket might over, है ना, कि अब बकेट क्या होगी, उसमें फेल ओवर. अब वो वहाँ पे क्योंकि बकेट जो थी उसको ऐसा लगा कि वो पानी से टकरा गई है, पानी में चली गई है, और अब वो बिल्कुल स्टिल हो गया, बिल्कुल हिल नहीं रहा था डर की वजह से, है ना, इस डर की वजह से कि बकेट कहीं उसमें गिर ना जाए और वो ही वुड फॉल इन वाटर, वो पानी में ना गिर जाए और ड्रोन और वो डूब ना जाए. ही जस्ट ले देयर शूक एंड शिवर्ड, वो वहाँ पे बस चुपचाप लेटा था बकेट में और बिल्कुल, और वो कांप रहा था डर की वजह से, वो कांप रहा था. सो मिस्टर फॉक्स ऑलवेज केप्ट ऑन आईज ऑन मिस्टर रैबिट एंड when he saw Mr. Rabbit sinking off, he quietly followed him. Mr. जो फॉक्स थे वो हमेशा मिस्टर रैबिट पे क्या रखते थे, नज़र रखता था, ठीक है. तो उसने जब देखा कि मिस्टर रैबिट क्या बोलते हैं slinking off, छिप कर भाग रहे हैं, तो वो उसने चुपचाप quietly उसको follow किया. follow मतलब पीछा किया, ठीक है, उसका उसने पीछा किया. next, he knew Mr. Rabbit was up to something, so he
hid behind a tree and watched. तो मिस्टर रैबिट, उसको पता था कि कुछ अब करने वाला है, इसलिए जो फॉक्स था वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसने सब कुछ देखा. क्या देखा? मिस्टर फॉक्स ने देखा कि मिस्टर रैबिट कम टू द टॉप ऑफ द वेल एंड स्टॉप एंड देन ही सॉ हिम जंप इन टू द बकेट एंड देन लो एंड बी लो एंड बी होल्ड. उसने देखा कि कैसे मिस्टर रैबिट कुएं के पास ऊपर टॉप पे आया और आके वहाँ पे रुका, और रुकने के बाद उसने देखा कि उसने कैसे बकेट में जंप करी और वो वहाँ पे नीचे चला गया. ही सॉ हिम गो डाउन आउट ऑफ साइट. उसने उसको वहाँ पे नीचे जाते हुए देखा. मिस्टर फॉक्स वॉज मोस्ट वरीड अबाउट हिज फ्रेंड. मिस्टर जो फॉक्स था बहुत ज़्यादा अपने दोस्त के लिए, रैबिट के लिए वरीड था, चिंता में था. ही सैट डाउन इन द बुशेस एंड थॉट बट ही कुड नॉट मेक आउट हेड एंड टेल ऑफ वॉट वॉज गोइंग ऑन. वो वहाँ पे झाड़ियों के नीचे बैठ गया, झाड़ों में बैठ गया और उसने सोचा, बहुत सोचा, बट उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था. देन ही सेड टू हिमसेल्फ, वेल दिस इज सरप्राइजिंग. आई एम श्योर मिस्टर रैबिट हाइड्स हिज मनी डाउन देयर इन दैट वेल, और ही मे हैव डिस्कवर्ड अ गोल्ड माइन, एंड इफ इट इज नॉट दैट आई मस्ट फाइंड आउट व्हाट्स इन देयर. उसने बोला खुद से, क्या बोला, वेल काफ़ी सरप्राइजिंग है, मुझे पक्का, मैं श्योर हूँ कि मिस्टर रैबिट ने वहाँ पे अपना पैसा छिपा के रखा हुआ है उस कुएं में, और या तो फिर उसने क्या किया, उसको कोई सोने की खान, माइन मतलब खान, उसको कोई वहाँ पे उसने खोज ली, डिस्कवर कर ली है. और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे वहाँ पे जाके सर्च करना चाहिए, मुझे वहाँ जाके फाइंड आउट करना चाहिए. सो मिस्टर फॉक्स क्रेप्ट अप अ लिटिल नियरर एंड लिसन, बट ही कुड हियर नथिंग. वो वहाँ पे कैप्ट मतलब होता है वहाँ पे रेंगते हुए, चोरी छिपे वहाँ पे गया और उसने सुना, लेकिन उसको कुछ भी वहाँ सुनाई नहीं पड़ा. ही मूव्ड लिटिल क्लोजर, और वो वहाँ पे थोड़ा और पास गया, बट स्टिल ही हर्ड नथिंग, बट फिर भी उसने वहाँ कुछ नहीं सुना. स्लोली ही गॉट क्लोज इनफ टू पीप डाउन द वेल. वहाँ पे वो और कुएं के पास गया वहाँ पे झांकने के लिए, बट ही कुड नॉट सी, वहाँ पे उसने झांका जाके, बट ही कुड नॉट सी एनीथिंग या हियर एनीथिंग, बट उसने वहाँ कुछ नहीं देखा और कुछ भी नहीं सुना. At this time, Mr. Rabbit was trembling with fear. और इसी टाइम पे क्या था, जो Mr. Rabbit था कुएं के अंदर, वो डर की वजह से कांप रहा था. ठीक है, डर की वजह से वो कांप रहा था. He just would not move in the case. Bucket keeled over and he fell into the water. वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, कि उसको पता था कि अगर वो मूव करेगा तो बकेट क्या होगी, तो उसकी उलट जाएगी, कील मतलब उलट जाएगी और वो पानी में गिर जाएगा. ही बिगेन टू प्रेयर, उसने प्रार्थना करनी शुरू करी. जस्ट देन ही हर्ड मिस्टर फॉक्स कॉल आउट, हे यू रैबिट, आर यू, हु आर यू विजिटिंग डाउन देयर. ठीक है, तभी उसने आवाज़ सुनी मिस्टर फॉक्स की. मिस्टर फॉक्स चिल्लाए, रैबिट तुम वहाँ किससे मिलने गए हो, वहाँ कौन है? ठीक है, हु, मी, आई एम जस्ट फिशिंग मिस्टर फॉक्स, आंसर्ड मिस्टर रैबिट. तो उसने बोला कि यहाँ मैं तो यहाँ पे फिशिंग कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ तो मछली पकड़ रहा हूँ. आई थॉट ऑफ गिविंग यू सरप्राइज विथ ऑल दिस फिशेज एंड सो आई एम कैचिंग फिशेज फॉर अवर डिनर. मैंने तो सोचा मैं इस सरप्राइज तुम्हें दूंगा इन मछलियों के साथ, ताकि हम, इसलिए मैं यहाँ पे मछली पकड़ रहा हूँ हमारे खाने के लिए. आर देयर मैनी फिशेज डाउन देयर, मिस्टर रैबिट आस्क्ड मिस्टर फॉक्स. मिस्टर फॉक्स ने पूछा क्या वहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी हैं, वहाँ पे मछलियाँ हैं? उसने बोला ओ यस, यहाँ पे मछलियाँ हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ देम, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं मिस्टर फॉक्स. द वॉटर इज नेचुरली अलाइव विद देम, और उनकी वजह से ही क्या है, उनके साथ ये पानी काफ़ी नेचुरल है. पानी मतलब मछलियाँ कहाँ रहती हैं, वाटर में रहती हैं ना, तो यहाँ पे इस पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं. कम डाउन एंड हेल्प मी हॉल देम अप, सेड मिस्टर रैबिट. मिस्टर रैबिट ने बोला यहाँ पे नीचे और आके मुझे इनको ढोने में, मछलियों को ढोने में आके मेरी मदद करो. हाउ विल आई कम डाउन, मिस्टर रैबिट आस्क्ड मिस्टर फॉक्स एनसीएसली. ठीक है, उसने उससे पूछा, एनशियसली मतलब होता है काफ़ी चिंता से, उसने पूछा कि मैं वहाँ पे नीचे कैसे आ सकता हूँ, मैं वहाँ पे नीचे कैसे आऊँ, फॉक्स ने रैबिट से पूछा. नेक्स्ट, जंप इन टू द अदर बकेट मिस्टर फॉक्स, इट विल ब्रिंग यू डाउन ऑल सेफ एंड साउंड. तुम दूसरी बकेट पे कूद जाओ और ये तुमको यहाँ पे नीचे सेफ एंड साउंड ले आएगी. ठीक है, बकेट तुमको यहाँ पे नीचे सेफ और सुरक्षित ले आएगी. मिस्टर रैबिट स्पोक सो हैप्पी एंड स्वीटली दैट मिस्टर फॉक्स जंप्ड इनटू अदर बकेट विदाउट अ सेकेंड थॉट एंड वेंट डाउन इनटू द वेल. ठीक है, मिस्टर रैबिट ने इतनी खुशी से और इतने प्यार से उससे बोला, सॉफ्टनेस से, स्वीटनेस से, कि मिस्टर जो फॉक्स था वो दूसरी वाली बकेट में कूद गया बिना कुछ सोचे समझे. ठीक है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, उसने बिना कुछ सोचे कूद गया और वो वहाँ पे पानी में, कुएं में नीचे चला गया. बट बींग हैवियर देन मिस्टर रैबिट,
हिज वेट पुल्ड मिस्टर रैबिट अप, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा था मिस्टर रैबिट से, तो मिस्टर रैबिट क्या हो गया, मिस्टर रैबिट अब बाहर हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, एक बकेट अंदर गई, मिस्टर फॉक्स अंदर गया, तो मिस्टर रैबिट बाहर आ गए। When they passed each other halfway in the well, Mr. Rabbit began singing in a loud voice. जैसे वो कुएं में एक दूसरे को पास कर रहे थे, वो नीचे जा रहा था मिस्टर फॉक्स और मिस्टर रैबिट ऊपर आ रहा था। जैसे दूसरे को पास कर रहे थे वेल में, बीच में थे वो कुएं के, तो उसने रैबिट ने गाना शुरू किया, तेज आवाज में क्या गाना शुरू किया, गुड बाय मिस्टर फॉक्स, टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स, फॉर दिस इज द वे ऑफ वर्ल्ड गोज, सम गो अप एंड सम गो डाउन, यू विल गेट टू द बॉटम ऑल सेफ एंड साउंड, गुड बाय मिस्टर रैबिट, अपने कपड़ों का ख्याल रखना, इसी तरीके जीवन कटता है, इसी तरीके दुनिया चलती है, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं, तो वहाँ पे नीचे बहुत ही सुरक्षित और अच्छे से सेफ एंड साउंड रहोगे, ठीक है, यू विल गेट। व्हेन मिस्टर रैबिट गॉट आउट ही होप्ड अवे एंड टोल्ड द पीपल हु टू होम द वेल बिलोंग। मिस्टर रैबिट जब बाहर आ गया और उसको बाहर आकर कूद गया और उसने वहाँ लोगों को बताया जिनका वो कुआं था, वेल था, उसको उन्होंने बताया कि दैट मिस्टर फॉक्स वॉज डाउन देयर मडिंग अप द ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे वो मिस्टर जो फॉक्स है वो नीचे कुएं में पीने का पानी को ख़राब कर रहा है। एंड देन ही रैन बैक टू द वेल, तब वो वहाँ दौड़ा दौड़ा आया वापस एंड कॉल डाउन टू द मिस्टर फॉक्स, उसने मिस्टर फॉक्स को क्या कहा, हेयर कम्स अ मैन विथ अ ग्रेट बिग गन, वेन ही हॉल्स यू अप यू जम्प एंड रन, यहाँ पे एक आदमी है बहुत सी बड़ी बंदूक के साथ और तुम यहाँ भी तुमको जैसे ऊपर खींचेगा तुम दौड़ना और तुम जंप करना और भाग जाना। वेल सून इनफ मिस्टर फॉक्स वॉज टेकन आउट ऑफ द वेल बाई पीपल हु थॉट ही हैड फॉलन इन बाई एक्सीडेंट। जैसे बहुत ही जल्द उसको मिस्टर फॉक्स को वहाँ से कुएं से कुछ लोगों ने वहाँ बाहर निकाल लिया, ठीक है, और उस जिन्होंने सोचा था कि वो वहाँ पे बाई एक्सीडेंट गलती से वहाँ पे वो गिर गया था। मिस्टर रैबिट वॉज वाइस, वो काफ़ी चतुर था, दिमाग से तेज था मिस्टर रैबिट, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया था कि इफ़ द पीपल हैज़ कॉट हिम इन द वेल ही दे वुड हैव कुक्ड हिम अप फॉर डिनर, बट नो वन एट अ फॉक्स, सो मिस्टर रैबिट क्लेवरली सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड। वो समझ गया था कि अगर वहाँ पे कुएं में उसको लोगों ने पा लिया मिस्टर रैबिट को, तो वो उसको अपने डिनर के लिए पका के खा जाएंगे, लेकिन कोई भी फॉक्स को नहीं खाता, फॉक्स को नहीं खाएगा, इसलिए उसने ऐसा स्टोरी बनाई और उसने मिस्टर रैबिट ने बहुत ही चतुराई से खुद को और अपने दोस्त को बचा लिया। बोथ ऑफ देम वेंट बैक टू देयर वर्क, प्लांटेड देयर पियर ट्रीज जस्ट एज इफ दे हैड नेवर हर्ड ऑफ द वेल। दोनों लोग अपने वहाँ पे वापस गए वर्क पे और जाके उन्होंने वहाँ पे नाशपाती का जो ट्री था उसका उन्होंने प्लांटेशन किया, उनको प्लांट किया और ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसे दिखाया कि उन्होंने कभी कुएं के बारे में कुछ सुना ही नहीं। बट एवरी नाउ देन मिस्टर रैबिट वुड थिंक ऑफ एक्सपीरियंस एंड बर्स्ट आउट लॉफिंग एंड ओल्ड मिस्टर फॉक्स वुड स्काउल एंड से नथिंग। बट तभी क्या हुआ, मिस्टर रैबिट को सारी चीज़ें याद आने लगी, है ना, सारा एक्सपीरियंस उसको याद आया, उसने सोचा सबके बारे में और वो हंस पड़ा, वो तो तेज़ी से वो हंसने लगा। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर फॉक्स ने उसकी तरफ घूरा थोड़ा सा, स्काउल मतलब होता है तेवर दिखाना, थोड़ा नाक भौं मतलब चढ़ाना, गुस्से से उसकी तरफ थोड़ा उसने नाक भौं चढ़ाई, थोड़ा तेवर दिखाया और उसने फिर कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो दिस स्टोरी ऑफ फॉक्स एंड द रैबिट इज़ कम्प्लीटेड हीयर, ठीक है। मिस्टर रैबिट इज़ अ गुड फिशरमैन, ये स्टोरी हमारी यहाँ पे कम्प्लीट होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे जाना कैसे मिस्टर रैबिट कुएं में गिरता है, आराम करने के लिए वो जाता है और कैसे वहाँ बकेट में जंप करके वो कुएं में नीचे पहुँच जाता है और फिर कैसे वो फॉक्स को फंसा लेता है, फॉक्स को भी वहाँ नीचे कुएं में गिरा देता है, खुद बाहर आ जाता है और फिर कैसे वो अपनी चतुराई से क्लेवरनेस से खुद को और अपने फ्रेंड को बचा लेता है। So this story, Mr. Rabbit is a good fisherman, is completed here. In next video, we will start a new fresh chapter. Thank you, students.